खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डोडा के वहां से गुजारिश की जाती है कि अब तक 44 नाफिज किया गया है, जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ रोड पे नहीं रह सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आवाम से गुजारिश की जाती है कि दफा 144 नाफिज किया गया है, जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ रोड पे नहीं रह सकते हैं। जमावड़ा बचाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि दफा 144 नाफिज किया गया है, जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ नहीं रह सकते हैं रोड साइड। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने घरों पर रहें। बात बुलाए दफा 144 नाफिज किया गया है, जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ रोड पे नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने घरों में रहें। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डोडा के वहां से गुजारिश की जाती है कि दफा 144 नाफिज किया गया है, जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ रोड पे नहीं रह सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किया गया है जिसके चलते दो या दो से ज्यादा शख्स एक साथ रोड पे नहीं रह सकते हैं। जमावड़ा बचाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपने घरों पर रहें।